बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। गणेशपुर का राजा जो कि ये भंडारा जिले का ही नहीं तो पूरे विदर्भ का प्रसिद्ध गणपति है। ये इतना प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से इसके दर्शन के लिए आते हैं और इसका सबूत है ये पब्लिक। ये जो पब्लिक है ये पूरी 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। जो ये रास्ता है जिला भंडारा के जिला परिषद चौक से लेकर गणेशपुर के जो गणपति चौक है, यानी ये जो गणपति चौक है यहाँ तक ये पूरी पब्लिक रोड, जो रोड है ये पूरा खचाखच भरा हुआ है लोगों से। जो आने जाने के लिए जो रास्ता है लोगों को जो एक मिनट से ढकेल कर आना पड़ रहा है, और अंदर जो गणपति के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अंदर पब्लिक है, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन एक आपके लिए न्यूज है कि जो ये गणेशपुर का गणपति जो ये रुद्राक्ष से बना हुआ है, तो अभी ये जो गणपति के मूर्ति पर लगे रुद्राक्ष है उनकी बिक्री होने वाली है, तो ये इनके बारे में है और हम आगे जानकारी लेते हैं। तो ये भैया है मंडल के सदस्य। तो सर ये किस तरह से ये जो गणेश जी के रुद्राक्ष की बिक्री हो रही है ये कैसे क्या है? ये रुद्राक्ष नेपाल से लाए गए हैं। अच्छा। और वाराणसी में इसको सिद्ध किया गया है। अच्छा। और ये हम यानी जैसे भक्तगण लोगों को यानी दे रहे हैं। हाँ। 10 रुपए नग के हिसाब से। अच्छा। हाँ, ये दे रहे हैं। तो ये कब होने, कब से शुरू है ये? ये जब से 3 तारीख से, नहीं नहीं जब से गणपति बैठा है तब से 3 तारीख तक, यानी 3 तारीख को वाटर कर। अच्छा, 3 तारीख। हाँ, तो अभी ये इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब विसर्जन कब है? 2 तारीख को विसर्जन। अच्छा, 2 तारीख को विसर्जन है, 2 अक्टूबर को, और 3 तारीख को रुद्राक्ष जो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है उनको एक प्रोग्राम लिया जाएगा और उस वहाँ पर इन सभी को दिया जाएगा। तो इस तरह से सर, भैया आपका नाम क्या है? प्रकाश वानखेड़े। अच्छा, आप ये मंडल के सदस्य हैं? मंडल के सदस्य। अच्छा, तो ये मंडल के सदस्य है और ये अभी यहाँ पर ये लगा है, ये भी देख सकते हैं। ये अपने गणेशपुर के प्रतिष्ठित नागरिक सब, और ये जो पब्लिक है तो ये हम, और ये सर सर, तो ये अपने जो सुमित्रा गणेश मंडल है उनके अध्यक्ष है विनोद जी भोरे, तो उनसे हम अभी ये लेते। तो सर ये किस तरह से ये अपना इस साल का गणेश जी का ये जो डेकोरेशन किया और जो प्रोग्राम पूरा ही अरेंज किया है वो किस तरह से? सर्वप्रथम गणपति उत्सव आजा सर्व भक्तगणांना मंगलमय शुभेच्छा। ह्या वर्षीचा गणपती उत्सव जो आहे तो आगळा वेगळा आहे, कारण की शामियाना शिवलिंगामध्ये आहे आणि रुद्राक्ष लावून गणपती बनवण्यात आलेला आहे। तब्बल 41,000 रुद्राक्ष गणपती बनवताना लागलेला आहे आणि हे काशी विश्वनाथमध्ये अभिषेक करून रुद्राक्ष आणण्यात आले आहे। त्यानंतर विसर्जन झाल्यानंतर हे रुद्राक्ष भक्तगणांना वाटप होणार आहेत। तरी जास्तीत जास्त लोकांनी आपला बुकिंग करून ह्या रुद्राक्षाचा लाभ घ्यावा। गणपती बाप्पा मोरी। तो इस तरह से ये अपने जो सुमित्रा गणेश मंडल के अध्यक्ष है उन्होंने, और ये अध्यक्ष है, तो इन्होंने ये बताया है। तो हम आपको अभी आगे ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरे रास्ते में पब्लिक से ये खचाखच भरा हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये सुमित्रा गणेश मंडल का जो पूरे जो ये आयोजक है और जो सदस्यगण है उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसकी अरेंजमेंट की है और बहुत ही अच्छे से ये सभी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बारिश रुकी तो यहाँ पर पब्लिक का हुजूम आने लगा और इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।
तो ये, लेकिन जो सुमित्र गणेश मंडल के जो पदाधिकारी है और सदस्य है वो बहुत ही अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं ये जब हम दिखा रहे हैं तो ये आगे जाने वाली पब्लिक है और आने वाली पब्लिक है। तो ये पूरा रास्ता कैसे लोगों से भरा हुआ है ये देख सकते हैं। पहले 5-6 दिन तक रात को बारिश ही आती थी तो उस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आ नहीं रहे थे, और जैसे ही बारिश शुरू की तो यहाँ पर जो लोगों का हुजूम बढ़ गया, तो इतने लोग यहाँ आ रहे कि जो बाकी दिन की जो कसर थी वो सभी पूरी कसर ही निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जो आजू बाजू में जो दुकानें लगी हुई है ये रास्ते के दोनों साइड में, वो पहले जो थोड़े बहुत उदास थे वो अभी पूरे वो भी खुश हो गए हैं, क्योंकि इनके भी सामानों की बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगी है। तो यहाँ पर ये 10 दिन में लाखों रुपए की ये उलाढ़ाल होती है, फिर भी हम बता नहीं सकते कितनी होती है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये साइड में देख सकते हैं दुकानें लगी है, आगे भी खाने पीने की दुकानें लगी है, और बहुत सी ये अलग अलग सभी टाइप की दुकानें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हम आगे आगे जा रहे हैं, और ये पूरा पब्लिक जो पूरे रास्ते में पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है। तो ये जो रास्ता है ये पूरा 1 किलोमीटर का है, जिला परिषद चौक से लेकर ये गणेशपुर के गणपति चौक तक ये पूरा रास्ता लोगों से भरा हुआ है। ये 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये इधर भी देख सकते हैं, ये सभी दुकानें लोगों से ये भरे हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा मौका लोगों को जो मिला है अभी बारिश रुकी और आज का 9वां दिन है, और ये गणपति 2 अक्टूबर तक रहने वाला है गणेशपुर का राजा, फिर उसका 2 अक्टूबर को विसर्जन है। तो ये इसलिए लोग जल्दी से जल्दी आके गणेश जी के दर्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर हर साल की तरह जो ये पूरे भंडारा ज़िले में ये लोगों का आकर्षण रहता है, तो गांव-गांव से लोग यहाँ पर आते हैं, गाड़ियाँ लेकर आते हैं, कोई ट्रैक्टर से आता है तो कोई मेट्रो करके आता है, तो कोई उनके पास जो भी साधन है आने के लिए वो उससे आते हैं। तो ये पूरा रास्ता लोगों से भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये पूरा जो ये है कंप्लीट पूरा ये लोगों से खचाखच भरा हुआ है। तो आपको ये देख के कैसे महसूस हुआ और आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो आगे आने वाले वीडियो है ये उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। BTV न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।